वेलकम बैक टू ठाकुर एकेडमी चैनल। इससे पहले मैं चार लेक्चर जो थे वो अपने HPGK के ऊपर कवर किए थे। आज हम लेक्चर नंबर 5 के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ HP। तो सबसे पहले हमारे पास एरिया जो हिमाचल प्रदेश का वो कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का। सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की वो है हमीरपुर। हमीरपुर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कितना एरिया कवर करती है, ये करती है 2.01% ऑफ टोटल एरिया। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की वो है आपकी लाहौल स्पीति। कितना एरिया कवर करती है, 24.85%। 1951 में हिमाचल जो था हमारे पास वो पार्ट सी स्टेट जो था हमारे पास वो बन गया था, ठीक है। और 1 जुलाई 1954 बिलासपुर जो था वो मर्ज हो गया था हिमाचल प्रदेश के साथ। मतलब कि 1 जुलाई 1954, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो था वो हिमाचल का पार्ट बन गया। हिमाचल वॉज फॉर्म एज यूटी इन 1956। हिमाचल प्रदेश जो थी वो पहले एक यूटी थी, यूनियन टेरिटरी 1956 में। और कब तक वो यूटी के तौर पर हिमाचल प्रदेश रही, वो रही आपकी 25 जनवरी 1971 तक। स्लाइड की तरफ चलेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इन 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल जो था हमारे पास वो सेटअप हुआ था अंडर ठाकुर करम सिंह ऑफ छायोट। टेरिटोरी काउंसिल जो थी हमारे पास वो कब सेटअप हुई थी, 1957 में, और किसके अंडर हुई थी, ठाकुर करम सिंह, ठीक है। 1960 उसके बाद आया 1960 में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो थी हमारी वो फर्स्ट कार्ड आउट ऑफ चीनी तहसील ऑफ महापुर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो था उसको बाहर निकाल दिया गया था चीनी तहसील जो थी महापुर डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए 1957 में ऊपर देखिए हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल सेटअप हुई। 1963 में टेरिटोरियल काउंसिल जो थी वो कन्वर्ट कर दी गई थी किसमें, हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को पंजाब जो हमारे पास वो रिकॉग्नाइज हो गया था, अलग स्टेट बन गई थी। और पंजाब में से जो एरियाज थे कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला, ये हिमाचल के एरियाज बन गए थे। और उस टाइम क्या होता था, जो शिमला जो था हमारे पास वो होशियारपुर का पार्ट था, और डलहौजी जो था हमारे पास वो पार्ट था गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब के उसका पार्ट था डलहौजी। 1966 में जो हिमाचल प्रदेश का एरिया था वो इंक्रीज हुआ था 106% के साथ, 106% के साथ, और पॉपुलेशन जो थी 108% के साथ इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर और ऊना जो थे हमारे पास वो कांगड़ा से निकाल दिए गए थे, वर्क आउट ऑफ कांगड़ा। और सोलन जो था हमारे पास 1 सितंबर 1972 को सोलन जो था हमारे, उसके ऊपर कौन कौन से एरियाज आने शुरू हो गए, नालागढ़, खंडागढ़, कसौली, अर्की और ऑफकोर्स सोलन। ओल्ड हिमाचल में आपके कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, ओल्ड हिमाचल जो आपका उसमें कौन कौन से एरियाज आ जाते थे, चंबा, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी और सोलन। ये पुराने हिमाचल में जो जो एरियाज आते थे ये वो एरियाज के नाम है। नया जो उसके बाद हिमाचल आपका सेटअप हुआ उसमें कौन कौन से एरियाज इंक्लूड हुए, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना। सोलन डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो सोलन और अर्की जो थे हमारे पास वो पुराने हिमाचल में ही काउंट होते थे, लेकिन जो कसौली, नालागढ़ और खंडागढ़ थे ये नए हिमाचल के पार्ट जो थे हमारे पास वो बन गए। सेंसस 1991 के अकॉर्डिंग, पहली बात तो मैं ये पता होना चाहिए, सेंसस जो था हमारे पास जनगणना जो थी हमारे पास वो हर 10 साल बाद कंडक्ट होती है। 1991 की जनगणना के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से ओल्ड हिमाचल जो था हमारे पास वो कितना एरिया कवर करता था, 48.4%, और उस टाइम पॉपुलेशन हिमाचल की कितनी थी, 52.3%। लेकिन जैसे ही नया हिमाचल कॉन्स्टिट्यूट हुआ एरिया तो हिमाचल का इंक्रीज हुआ ही हुआ,
लेकिन उस टाइम पॉपुलेशन जो थी हिमाचल की कम, तो जब नया हिमाचल बना तो एरिया कितना बन गया, 51.6% और पॉपुलेशन जो थी वो हो गई थी 47.7%। तो आज हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री जो थी हिमाचल की उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कुछ कवर किया है, उसके नोट्स आप जरूर बना लेना, नहीं तो अगर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसकी PPT जो हम आपको पूरी डायरेक्ट सेंड कर दें। टिल देन थैंक यू।